हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है दीज सिंपल थिंग्स। दीज सिंपल थिंग्स का मतलब हिंदी अर्थ निकल रहा है, ये साधारण सी वस्तुएं। तो चलिए इसमें वार्मर क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। वार्मर हमारा यहाँ से स्टार्ट है। इसमें क्या बताया गया है, व्हाट थिंग्स अराउंड यू मेक यू फील हैप्पी लिस्ट देम। कह रहा है कि आपके आसपास की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको खुशियाँ देती है, जो आपको खुशी प्रदान कराती है, उसकी लिस्ट बनाइए। तो चलिए चैप्टर में क्या बताया है उसे पढ़ लेते हैं। चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें बताया गया है द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। जीवन की जो सबसे साधारण चीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो सबसे अच्छी होती है। आगे कहा गया है अ पैच ऑफ ग्रीन, अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, द टेस्ट ऑफ ब्रेड, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड। यहाँ क्या बताया गया है कि जीवन की जो सिंपलेस्ट सबसे साधारण सी चीज़ होती है वो जीवन में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। अ पैच ऑफ ग्रीन, जैसे कि हरे रंगों की पत्तियाँ, झाड़ियाँ, उसके बाद ज़मीन पे हरी हरी घास, ये सभी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सभी हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही खास होती है। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटी सी चिड़ियों की घोंसला भी देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, और वह पानी जो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी पानी और ताज़ी पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, यहाँ बताया गया है कि रोटी की भी स्वाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड मीन्स पुराने समय की जो सॉन्ग्स हैं, जो संगीत हैं, वे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिर आगे इसमें क्या बताया गया है उसे देख लेते हैं। आगे बताया गया है यहाँ से कि दीज आर द थिंग्स डैट मैटर मोस्ट, ये सभी वे चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, अ फेवरेट बुक, एक बच्चे की खुशी, एक बच्चे की हंसी, उसके बाद अ फेवरेट बुक, पसंदीदा बुक, फेवरेट बुक, फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, और जो छोटी सी पौधे होती है उसमें जो फ्लावर लगी रहती है वो जिस तरह से बढ़ती है, ये सभी देखने में हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ सैडी नुक, अ बॉल डैट बाउंसेस हाई, अ समर शावर, अ रेनबो इन द स्काई, द टच ऑफ अ लविंग हैंड एंड टाइम टू रेस्ट, दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। यहाँ कहा गया है कि एक क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स ऐसे तो क्रिकेट एक गेम का नाम है, गेम, लेकिन यहाँ क्रिकेट का मतलब एक तरह का जीव है जिसको हम झिंगुर कहते हैं। आप देखिए यहाँ क्रिकेट मीन्स क्या है, यह एक नाउन है और इसका मतलब होता है झिंगुर। झिंगुर एक तरह का जीव है जो रात में बोलता है। तो यहाँ जो बताया गया है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या बताया गया है कि एक क्रिकेट मीन्स झिंगुर की जो सिंगिंग ध्वनि सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अ बॉल डैट बाउंसेस है, एक ऐसा बॉल जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बाउंस करता है, वो भी कवि को देखने में अच्छा लगता है। अ समर शावर, अ रेनबो इन द स्काई, उसके बाद बताया गया है गर्मियों के मौसम में नहाना जिसको हम शावर कहते हैं, उसके बाद अ रेनबो इन द स्काई, आसमान में जो इंद्रधनुष बनती है, वह सभी देखने में कवि को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आगे बताया गया है द टच ऑफ अ लविंग हैंड एंड टाइम टू रेस्ट, कवि को आराम करना और किसी के प्यार से छूना भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, और ये सभी जो जीवन की साधारण सी चीज़ें हैं ये कवि को बहुत ही ज़्यादा मोहित कर लेती है। बस यही हो जाता है चैप्टर समाप्त। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कॉमेंट करके बताएँ।